गुड आफ्टरनून सभी को। आज मैं आप लोगों को एक रेसिपी शेयर करूंगी, वो है माया फिश। एक छोटी मछली होती है, इस रेसिपी को बंगाली में कहते हैं छोटा माछ चौचुरी। के लिए मुझे चाहिए हाफ चम्मच पाँच फोरन, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च दो। चौचुरी बनाने के लिए मुझे जो सब्जियां चाहिए वो है बैंगन, मैंने एक बैंगन काट लिया है लंबे लंबे करके, दो अनियन जो इस तरह से काट लिया है, और दो आलू उसको भी मैंने लंबे लंबे काट लिया है, और चाहिए ग्रीन चिली। ये है माया फिश छोटी मछली जो मैंने इसमें नमक और हल्दी मैरिनेट करके 10 मिनट बाद में मैंने इसे सरसों के तेल में फ्राई कर लिया है। मसाले जो मुझे चाहिए वो है स्वाद अनुसार नमक, हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। मैंने पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं दूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल। गरम हो गया है तेल, अभी मैं इसमें दे दूंगी 5 फोरन, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। इन 3 चीजों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। इसके बाद मैं दूंगी ग्रीन चिली, आप जितना तीखा खाते हैं आप उतने अनुसार दीजिए। इसको भी मैं फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें जो सब्जियां मैंने काट के रखा है सभी चीज़ों को दे दूंगी, बैंगन को छोड़ के। बैंगन को मैं लास्ट में लूंगी, पहले मैंने अनियन को दे दिया है, फिर आलू को। ये दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। पाँच मिनट तक फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें मसाले दे दूंगी, नमक, हल्दी, जीरा, धनिया और सूखी लाल मिर्च का पाउडर। इसे भी मैं अच्छी तरह से चला लूंगी। थोड़ी फ्राई होने के बाद में मैं इसमें अभी बैंगन दे दूंगी। सभी चीज़ें जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब मैं इसमें दूंगी 1 बड़े कप में पानी। 5 से 7 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी, उसके बाद फ्राई किया हुआ जो मछली मैं इसमें दे दूंगी। मछली के साथ 5 से 7 मिनट फिर पकाऊंगी। देखिए पक गया है, इसमें गरम मसाला दे दूंगी हाफ चम्मच से थोड़ा कम, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
माया फिश चौरचुरी रेडी हो गया है। अब मैं इसे बंद करके एक बाउल में सर्व कर लूँगी। माया फिश में ओमेगा 3 का सबसे ज़्यादा सोर्स रहता है और कैल्शियम भी रहता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ठीक रखता है, ब्लड क्लॉट्स को रिड्यूस करता है। बहुत सारे इसमें फ़ायदे होते हैं, आप इसे घर में बना के ट्राई कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत बहुत स्वादिष्ट है। और आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए यही तक, थैंक यू, टिल देन बाय बाय।